अब जा रहे हैं भाई रिजोर्ट में वापस। काफी अच्छा रहा दिन, राइड अच्छी थी, जगहों में बस जो यहाँ पे देखने लायक है वहाँ पे कुछ देखने को मिला नहीं, बट राइड वॉज गुड, वेदर इज अमेजिंग। अभी भी फॉग लगा हुआ है नीचे, तो ओवरऑल जैसा क्या हो गया भाई, ओहो इनके दो टायर घुस गए हैं नीचे, देखते हैं निकलती है नहीं निकलती है, कोशिश तो कर रहे लड़के। मेरी साइड में लगा लेता हूँ, कहीं पीछे से कोई और गाड़ी आ जाए, और मैं वैसे ही रिस्की रहता है। उठा के उसके नीचे पत्थर लगा लो ना, तो तो फाइनली निकल ही गई अपने दिल्ली वाले अंकल जी की I-10। ऐसे निकलते बिकलते हेल्प करी देनी चाहिए यार, किसी दिन अपने ही ऊपर बात आ जाए तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो क्या पता कभी कोई हमारी भी कर दे। जैसा कि दिन में कहा था मैंने, किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। अब आज का सबसे बेहतरीन था, ये रोकना नहीं रोकना नहीं रोकना नहीं, बैक टू द पवेलियन। कैसा लग रहा है आपको एक अनजान व्यक्ति की मदद करके? आप तो देख रहे थे, आपको अच्छा कैसे लग सकता है? गाड़ी उठाई, ओके ओके, नो एडल्ट कंटेंट प्लीज, नो एडल्ट कंटेंट प्लीज। गुड मॉर्निंग गाइस, रात में सब थक गए थे इसलिए खा पी के सब सो गए थे, और गाड़ी उठा के बेचारे सब इतने थक गए कि अभी तक पड़े हुए हैं बिस्तर में। टेने 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 ने, उठ जाओ भाई लोग, हमने बोला पीप पीप। टेने टेने ने, एक भाई तो उठ गए अपने। वो ये है भाई सीन, तो मजे आएगो मेरा भाई, मजे आएगो भाई। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथ वाले सो रहे रूम में, मैं सुबह 7 बजे यहाँ पे आ गया हूँ, मतलब 6 बजे उठ गया था फ्रेश व्रेश होके, 7 बजे यहाँ पे आ गया हूँ, और ये देखो भाई नज़ारे, फॉग चल रहा है भाई, लैंसडाउन में फॉग चल रहा है, और यही सब तो देखने आते हैं यार हम, क्या देखने आते हैं, सोने थोड़ा ना आते हैं, सो तो हम घर पे भी लेंगे जाके, पर ये जो वादियाँ होती हैं ना भाई, शहरों की सारी ऑक्सीजन जैसे यहीं पर ही आ गई हो। वो लुक एट द वेदर ब्रो, और अपनी ये रानी के साथ लास्ट सेल्फी। वैसे एक मन हो रहा है कि डील कर दूँ कैंसिल, क्योंकि इससे बहुत अटैचमेंट है मेरी, अच्छे बुरे हर टाइम में साथ रही है मेरे,
तो पता नहीं, बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखते हैं वापस जाके घर पे कैसा होता है, क्या डील होती है नहीं होती है। फिलहाल तो मज़े ले रहे हैं फोक के, और पीछे तो बिल्कुल ही विजिबिलिटी गायब हो गई है, 0% विजिबिलिटी है अभी तो। फिर भी दिख रहे थे सामने पहाड़, अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो यही चीज़ें अच्छी लगती हैं यार पहाड़ों में, और क्या देखने आते हैं हम लोग, यही देखने आते हैं। अपन लैंसडाउन को बर्ड सेंचुरी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब शहरों में तो जैसे चिड़िया तक देखने को नहीं मिलती है आजकल, इतना क्राउड हो गया है और ये पक्षी भीड़ में रहते नहीं है ज़्यादातर। पर यहाँ पे लैंसडाउन में इतनी सही सही बर्ड्स दिखेंगे ना आपको। और उसके अलावा जो जो ऑफिस से छुट्टी लेके आएंगे उनके लिए एक और अच्छी बात है, लैंसडाउन में नेटवर्क नहीं आते हैं, बस कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे आते हैं। और मेरे पीछे हल्का हल्का सा पहाड़ दिखने लग गया है, ये भी अलग ही सीन है नहीं, फ्रंट कैमरा से दिख। एक नंबर बॉस, अब देखो घर भी दिखने लग गए नीचे। तो यहाँ ऐसे ही मौसम रहता है, एकदम से कोहरा लग जाता है, एकदम से साफ हो जाता है। वैसे अब धूप आ गई है तो साफ ही हो जाएगा सारा धीरे धीरे, पर नीचे घाटियों में बहुत ज़्यादा कोहरा रहता है। ये देखो भाई, यहाँ तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल सीन है। ये जो पेड़ों के पीछे से जो सनराइज निकल रही है ना आगे, ये लग रही है एक नंबर जबराट। उड़ गया भैया कोहरा, उड़ गया। लेट लतीफो के साथ यही होता है। नहीं, कॉर्पोरेशन से ये होता है। यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, अब नीचे जा रहे हैं नीचे, और देखते हैं क्या हिसाब किताब है नीचे से, कैसा व्यू है। आई एम कमिंग ब्रो। क्या देखा नीचे, है कुछ देखने लायक? एक गांव है नीचे बंजारों का, सॉरी आदिवासियों का। ओके, वहाँ ओके आए थे। ओके, तो क्या बात करी आदिवासियों से? कुछ नहीं, वो हमें काट के पकाने वाले थे, हमने भाग के वापस आ गए। ओह माय गॉड, चलो अच्छा किया, वरना बाइक हमें ले जानी पड़ती। बाइक के लिए तो अब चले भाई, चलते हैं लेट्स गो। वैसे भी यहाँ से अब निकलने का टाइम हो रहा है वापस जाने के लिए, तो देखते हैं अगर आगे कुछ देखने लायक मिलेगा तो दिखाएंगे बिल्कुल। तो चलो अब भाई वापस आए तो देखा, यहाँ पे तो क्रिकेट चल रहा है। तो भाई अब तुम्हारा भाई करेगा बैटिंग। वैसे तो जब मैंने सपने में इंडिया के लिए क्रिकेट खेला था तब 5 सेंचुरी मारी थी, वो भी 2 बॉल में। सेंचुरी में कितने रन होते हैं वैसे? ओप्स। चलो जितने भी हो। आर यू रेडी? ओके। आउट ऑफ द स्टेडियम, आउट का मतलब आउट ऑफ द स्टेडियम, नॉट आउट। तो यहाँ खाली ऐसे ही नहीं, सिंगल बेड वाले रूम भी मिल जाएंगे, मतलब फैमिली के साथ आना चाहो फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आना चाहो फ्रेंड्स के साथ आओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और लैंसडाउन फेमस है कुल मिला के, जो हमने नोटिस किया, कपल्स के लिए, तो कपल्स के लिए तो बेस्ट है यार। ये देखो एक बिस्तर ऊपर है एक बिस्तर नीचे, चाहे तो एक में सो जाओ कोई दिक्कत नहीं। वॉशरूम भी अच्छे खासे हैं भाई, यहाँ 3 हैं यहाँ 2 हैं, बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। जैसे अगर ग्रुप में आ रहे हो तो बहुत बढ़िया है रहने के लिए। यो ऑल सेट ब्रो? यो ब्रो, व्हाट अबाउट यू? अरे एक नंबर, बढ़िया जगह। बढ़िया जगह है? यस, रहने के लिए तो एकदम एक। और अगर ग्रुप में आ रहे हो तो यू मस्ट स्टे हियर। क्या नाम है होटल का एक बार आप बताओ? भूल गया यार मैं। संस्कारा एंड संसारा, हल्के में ले रहे हो भाई को हैं? यो, तो चेकआउट कर दिया, निकलने को तैयार है सारे, कुछ नीचे खड़े हैं कुछ निकलने वाले हैं। अपन भी वार्म अप कर लेते हैं बाइक का। तो एक आखिरी बार निकलते निकलते लोकेशन चेकआउट कर लो भाई,
वहाँ पे है और मौसम भी देख लो, वैसे तो सेक्सी हो रहा है पर जब धूप आ रही है तब गर्म भी हो जा रहा है। तो अब निकलते हैं भाई यहाँ से, फिर से खतरों का सामना करते हुए, पर इसका भी अलग अपना मज़ा है। अभी थोड़ा वेट करना है, जो हमारी ये वाली राइड लीड कर रहे हैं आशु भाई, उनका टायर हो गया है पंचर, तो गए हैं धीरे धीरे पंचर लगवाने। तब तक यहाँ छाँव में लगा के वेट करते हैं, गाने सुनते हैं। तो भाई फाइनली डिसाइड किया कि वहाँ रुकने से बढ़िया नीचे कहीं ढाबे वाबे पे रुकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऊपर किया नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है वहाँ पे बनाने में, उन्हें तो कहीं नीचे खाएंगे पियेंगे, इतने में आशु भाई भी ठीक करा के आ जाएंगे। एक ये बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट टाइप बना रखा है यहाँ पे, ये भी अभी हमें वहीं रिजोर्ट में मिले थे। निंजा 1000 लेके आए हुए हैं ये चंडीगढ़ से। तो भाई अब खाना हो गया और टाइम हो रहा है 1 बजे, तो निकलते हैं अब जल्दी से क्योंकि रास्ते में होने वाली है हालत ख़राब गर्मी से, तो देखते हैं जैसा भी होता है। जहाँ पीछे हम रुके थे उस ढाबे का नाम पढ़ना भूल गया मैं, पर आप आओगे तो पहचान जाओगे, बिल्कुल स्रोत के बगल में ही है और रेट भी काफ़ी जेन्युइन थे। पर कोई नहीं, मज़ा आया ऑल ओवर ट्रिप में थैंक्स टू रोड साइड, जिनकी वजह से मुझे लैंसडाउन आने का मौका मिला, तो थैंक्स टू ऑल गाइस इंजॉय करने और कराने के लिए। तो भाई हो गई है एक बेटी, जो अपनी गाड़ी थी जिसमें लगेज था वो भाइयों को थोड़ा थी जल्दी और वो चले गए, तो लगेज निकाल के अब इसमें लोड करना पड़ रहा है और चलते हैं अब। चलो भाई रेड क्यों करा रहे हो? तो दीवानशु भाई अगर वीडियो देख रहा हो तो थैंक यू सो मच, तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। अब बस आई होप कि घर तक पहुंचने तक ये टाइट रहे और बैग कहीं ना जाए, और बीच में जहाँ स्टॉप लेंगे वहाँ एक बार चेक भी कर लूँगा। तो अभी हम आ गए हैं कोटद्वार सिटी में और यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है, तो आई थिंक कुछ दिखाने लायक होगा नहीं क्योंकि आते टाइम आपने देख ही लिया था कैसे रास्ते, पर अगर कुछ ऐसा दिखाने लायक मिला तो ज़रूर दिखाएंगे, और अगर नहीं मिला तो उसके लिए अभी से करते हैं टाटा बाय बाय। मिलते हैं फिर भी इसी और अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, फिर मिलेंगे, चलते चलते।